हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्र प्रताप ब्लॉग। तो गाइस मिलते हैं आपको डिनर। गाइस आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा कि मैं बोल रही थी कि मेरे को डिनर बनाना है जल्दी और मेरे को घूमने जाना है। तो गाइस हम आ गए हैं घूमने और यहाँ माहौल बहुत अच्छा हो रहा है। तो गाइस करते हैं डिसाइड कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मोस्टली मैं तो रात को थोड़ा कम ही खाती हूँ गाइस, बचती हूँ खाने से। कर रही हूँ क्या खाना है क्या नहीं खाना। कुछ नहीं खाना यार, इधर हमारा डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और हवा इतनी अच्छी चल रही है ना गाइस कि बस पूछो मत। बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, लग रहा है कि बस नहीं बैठे। आज हमारे चौहान साहब ने गाइस बहुत मीठा खाया है, इनको शुगर है तब भी नहीं मानते हैं, ये मीठा खाते हैं। और मैं जबकि इनको सुबह देती हूँ करेले का जूस लेकिन ये फिर भी नहीं मानते हैं। देखो तो आपको मेरे बालों से पता चल रहा होगा, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत हवा चल रही है। पान, क्योंकि मेरा काफ़ी दिनों से मन कर रहा था पान खाने का, तो मैंने बोला मैंने कि मेरे को मीठा पान खिला दो। तो ये पान लेने गए, उसके बाद मिलेंगे आइसक्रीम क्योंकि पापा जी ने फरमाइश की थी कि मुझे खाने आइसक्रीम। ऑलरेडी कसाटा रखी हुई थी लेकिन पापा जी को कसाटा नहीं खानी थी, पापा जी को दूसरा फ्लेवर खाना था। तो अब ये आइसक्रीम लेंगे, मेरे लिए पहले पान ले रहे हैं। तो गाइस अब तो 10 सेक्टर बहुत काफ़ी लेट तक खुलता है, नहीं तो पहले तो बहुत बंद हो जाता था। अब तो देखो गाइस खुल रहा है, ये मिलन है, मिलन सब लोगों की गर्मी आया ना इसलिए सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमारा बीकानेर बंद हो गया, तो गाइस हम आ गए हैं घर, पहुंच गए हैं घर। चाबी The next day. गाइस बज रहे हैं 6:15, मतलब 6 बजने में अभी 10 मिनट कम है और मैं जा रही हूँ माता पूजने। मैंने सब तैयारी कर दी है, मैं माता को पूजने जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ मंदिर में, मिलती हूँ आपसे मंदिर में। गाइस मौसम हो रहा है बहुत अच्छा,
गाइस वहाँ से मंदिर से आके बांसवाड़ा पूज के मंदिर से आके फिर मैंने घर की भी पूजा अर्चना कर ली, हो गई है मेरी पूजा अर्चना अच्छे से। फिर मैंने थोड़ी सी चाय बनाई, वैसे तभी नहीं बनाई थी, पापा जी तो 6 बजे बना लेते, फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अभी मैं पूजा करके आई हूँ, अभी मत बनाओ, पूजा करके मैं बना दूँगी। फिर मैंने अभी चाय बनाई है, इधर दूध वगैरह सब कुछ बॉयल हो रहा है, तो फिर थोड़ी सी चाय मैंने भी ले ली। A few moments later, गाइस मेरी हो गई है इवनिंग पूजा, मैंने अच्छे से अपनी पूजा अर्चना कर ली है। ये है मेरा प्यारा सा क्यूट सा मंदिर, तो गाइस मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में भी बताया था कि आप शाम को मतलब अगर माता की पूजा अर्चना करते हो तो आप लंबी बत्ती लगाना, आप मुझे बताना कौन कौन लगाता है कौन कौन नहीं लगाता, किस किस को नॉलेज थी किस किस को नहीं थी, सब कमेंट में बताना, क्योंकि ना नॉलेज तभी होती है एक दूसरे को देख के होती है। पहले मुझे भी नहीं पता था गोल बत्ती और लंबी बत्ती का, जब मैंने वीडियो वगैरह में देखा तो मुझे भी नॉलेज हुई, फिर मैंने भी शुरू कर दिया, क्योंकि ये चीज़ ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पूजा पाठ में गाइस, तो ये बहुत अब हमारे जीवन पर बहुत इफेक्ट करती है। गाइस मेरा हो गया डिनर तैयार, मैंने सिर्फ आज सिंपल खाना बनाया है, दाल चावल मूंग मसूर की दाल बनाई है, अच्छे से तड़का लगा के चावल बनाऊंगी, उसके बाद में मोस्टली तो है ही है ये हमारे पापा जी के दही वल्ले रखे हुए हैं, इसमें चंदिया रखी हुई हैं, इनको भी खाना है, इनको भी ख़त्म करना है, कोई गाइस ना फिर ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा देर रख के रहे तो। मैं ये मंगाया था तरबूजा, क्योंकि गाइस पे रात को खाती हूँ तरबूजा, क्योंकि मैंने बताया था आपको मैं रात को खाना कम खाती हूँ, तो मैंने मंगाया था तरबूजा। तो गाइस इधर मेरा सब कुछ रेडी हो गया है, ये कपड़े आ गए हैं ऊपर से, इनको भी अच्छे से लगाना है, तो फिर मिलते हैं आपको।